नगर पंचायत भुंतर द्वारा दो दिन पहले रेड़ी फड़ी वालों के खिलाफ कार्रवाई की गई थी। आज रेड़ी फड़ी ने नगर पंचायत सचिव के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। पहले भुंतर बाजार में एक रोष रैली निकाली, फिर नगर पंचायत भुंतर के कार्यालय के बाहर धरना प्रदर्शन किया। से रेडी फॉर यूनियन वाले सारे इकट्ठा होकर प्रशासन के पास आए हुए हैं ताकि हमारी समस्या का समाधान किया जाए। हमें यहाँ पे रेडी फड़ी लगाते लगाते 25 से 30 दिन 35 साल हो गए। अब हमारी उम्र ऐसी है कि हम इस उम्र में कहीं और जगह काम भी नहीं कर सकते, इसलिए हम प्रशासन से गुहार लगाने आए कि हमारी समस्या का जो समाधान किया जाए। यही हम प्रशासन से चाहते भी हैं ताकि हमारे को जो कॉपरेट किया जाए। बाकी जो प्रशासन हमें हमारे ऊपर जो भी आदेश करे हम उसकी पालना करेंगे। ये हमारा प्रशासन से अनुरोध रहेगा कि भाई आपको नोटिस दिए गए कि यहाँ से उठ जाओ। कोई भी नोटिस नहीं दिया गया हमारे, तो फिर कैसे आपको मालूम पड़ा है इसका? हमें कुछ नहीं, कल सोमवार था, कल सोमवार को हम अपनी दुकानें लगाए थे, उतने फड़ी फुड़ी लगा रहे थे, उतने को पहुँच गए जी। तो उसमें थे हमारे नगर पंचायत के सेक्रेटरी थे और साथ में वर्कर थे जो कमेटी मेम्बर भी थे कुछ, तो उन्होंने सीधा ही हमारा सामान इकट्ठा करके गाड़ी में डालना शुरू कर दिया, तरपाले फाड़ दी, डंडे उठा के गाड़ियों में डाल दिए। तो ये एक किस्म की जो है अत्याचारी था हमारे ऊपर। तो इसलिए हम प्रशासन से चाहते हैं कि हमारा जो इस समस्या के विषय के ऊपर जो हमारा समाधान किया जाए और कोऑपरेट किया जाए हमारे। तो बताना चाहूँगा कि नगर पंचायत के एक्ट, जो नगर परिषद एक्ट, म्यूनसिपल काउंसिल एक्ट 1994 उसकी धारा 183 में एक प्रोविज़न है कि जो शहर के अंदर जो भी आपकी अनऑथराइज इंक्रोचमेंट्स हैं, चाहे वो ओवरहैंगिंग हो या ज़मीन के ऊपर हो, उसका हटाने का अधिकार नगर परिषद के पास या नगर पंचायत के पास रहता है। इसके अलावा जो मैंने पहले भी बोल चुका हूँ कि हमने प्रॉपर टाइम दिया, लगातार हम इसकी अनाउंसमेंट्स करवाते रहे और प्रॉपर टाइम देने के बाद भी इन लोगों ने नहीं हटाया और समय समय पर कुल्लू और पूरे जिला प्रशासन के अंदर, जिला के अंदर प्रशासन द्वारा इस तरह की कार्रवाई की जा रही है कि जो अनऑथराइज रेड़ियाँ या फड़ियाँ और ओवर हैंगिंग्स जो लगाए गए हैं सरकारी ज़मीन के ऊपर, उठाने के लिए पूरे प्रशासन द्वारा स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस हम लोगों को आई है, उसी को फॉलो करते हुए उसी के कंप्लाइंस में हम लोगों ने ये कार्रवाई की है। और जहाँ तक आज के प्रदर्शन की बात है तो इसका मेरे को कोई लिखित मेमोरेंडम इनका एडवांस में नहीं आया था, और फिर जब ये कुछ हुआ तो फिर मैंने इनसे बोला कि आप इस तरह से मत कीजिए, आप अपनी ग्रीवियंसिस को जो है मेरे को लिख के दे दीजिए ताकि मैं अपने अधिकारियों को, जिला प्रशासन को इनको भेज सकता हूँ। तो इनकी एक एप्लीकेशन आई है, मैं उसको अभी फॉरवर्ड कर रहा हूँ और जो भी ऊपर सरकार के आदेश होंगे उसको आगे वर्ड टू वर्ड कंप्लाई किया जाएगा।